तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्यूरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स IPL 2024 का स्क्वाड कंपोजिशन करेंगे। तो आगे बात कर देंगे पहली टॉपिक जो कि टीम स्पेशलाइजेशन है। तो जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम एक ऐसी टीम है जिसने IPL के पहले ही साल में IPL में अपना पहला झंडा फड़ा कर IPL की सारी टीमों को अपना दम दिखा दिया। तो अपने पहले ही साल में IPL के खिताब जीतकर IPL के आगाज को काफ़ी शानदार बना दिया। एक वक्त था जहां पर राहुल द्रविड़ और सने जैसे खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा हुआ करते थे, वही आज इस टीम की कमान भारत के युवा खिलाड़ी संजू सैमसन के हाथ में। तो बात करते हैं IPL के पहले सीजन को जीतने के बाद यह टीम आज तक कोई दूसरा टाइटल अपने नाम नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं टीम के लिए एक दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हर साल टीम पूरे तागे से पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट करने के लिए जानी जाती है, जहां एक से एक युवा खिलाड़ी काफी अनुभवी खिलाड़ी भी मौजूद की है। तो देखते हैं कि इस साल क्या होगा इस टूर्नामेंट में। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि विकेट कीपर्स है। तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार IPL 2024 में तीन विकेट कीपर्स बल्लेबाज के साथ आपको इस टूर्नामेंट में नजर आने वाली। तो कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम में आपको काफी सारे विकेट कीपिंग के ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है। प्लेयर की बात करें जो कि संजू सैमसन है, दूसरी प्लेयर है जॉस बटलर है, तीसरी प्लेयर है ध्रुव जुएल है, चौथी प्लेयर है कुणाल राठौड़ है, पांचवी प्लेयर है डोनन फरारिया है, छवीं प्लेयर टॉम कॉलर कैडमोर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि बैट्समैन है। राजस्थान रॉयल्स का बैटिंग IPL में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीम के बैट्समैन ने इतिहास में कई सारे महत्वपूर्ण और यादगार उपस्थितियाँ बनाई है जो कि कुछ इस प्रकार है। सिमरन हेटमायर है, यशस्वी जायसवाल है। अब अगर बात करते हैं ऑलराउंडर नेक्स्ट टॉपिक, राजस्थान रॉयल्स की टीम में आपको काफ़ी सारे ऑलराउंडर भी देखने को मिल सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। दियान प्रयाग है, शुभम दुबे है, अबीद मुश्ताक है, कुलदीप सेन है। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि स्पिनर्स है, राजस्थान रॉयल्स में आपको कई सारे स्पिनर्स भी देखने को मिलेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है। रविंद्र चंद्र अश्विन है, युजवेंद्र चहल और एडम जंपा जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि फास्ट बॉलर। तो आप गेंदबाजों की सूची के बारे में राजस्थान रॉयल्स की टीम में आपको काफ़ी सारे फास्ट बॉलर भी देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर ट्रेंट बोल्ट है जो कि न्यूजीलैंड के हैं, संदीप शर्मा है, नवदीप सैनी है, नाड्रे बर्गर है, प्रसिद्ध कृष्णा और अवेश खान है। अब आगे बात करते हैं इनके स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे पहली प्लेयर की बात करें जो कि यशस्वी जायसवाल है। यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL में खेला, वह एक प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाज है, अपने बल्लेबाजी के दम पर ही प्रशंसा प्राप्त कर चुके हैं। जायसवाल ने 2020 के सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए अपना IPL में डेब्यू किया था। उनकी आकर्षक बल्लेबाजी और खेल का जानकार वे अपने टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने हुए हैं। दूसरी प्लेयर की बात करें जो कि जॉस बटलर है, जॉस बटलर ने राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL में खेला, वह एक अनुभव इंग्लिश बल्लेबाज है, उनके बल्लेबाजी का जादू दर्शकों को मोहित करता है। बटलर ने राजस्थान रॉयल्स के लिए कई सारे सीजनों में शानदार परफॉर्मेंस किया, उन्हें टीम का अहम हिस्सा माना जाता है। उनके बल्लेबाजी और गेम का अद्वितीय योगदान कारण वे राजस्थान रॉयल्स के IPL के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण खिलाड़ी माने जाते हैं। तीसरी प्लेयर की बात करें जो कि संजू सैमसन है, संजू सैमसन ने भारतीय प्रीमियर लीग यानी IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला, वे राजस्थान रॉयल्स की टीम में एक प्रमुख खिलाड़ी हैं और अपनी उत्कृष्ट बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग के लिए प्रसिद्ध है। सैमसन ने अपने करियर में कई सारे महत्वपूर्ण इनिंग खेले जो उन्हें एक निरंतर प्रदर्शक माना जाता है। उन्होंने अपने दम पर बल्लेबाजी के साथ टीम को अनेक अवसरों पर जीत दिलाई है, उन्हें IPL में राजस्थान रॉयल्स की आवश्यक खिलाड़ी माना जाता है। बात करते हैं चौथी प्लेयर जो कि रियान प्रयाग है। रियान प्रयाग ने भारतीय प्रीमियर लीग यानी IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला, वह एक युवा प्रतिभाशाली ऑलराउंडर जिन्हें उनकी बल्लेबाजी के कौशल के रूप में कभी न कभी स्पिन गेंदबाजी से जाना जाता है। प्रयाग ने अपना IPL में डेब्यू राजस्थान रॉयल्स के लिए किया था, टीम के लिए एक उम्मीदवार के रूप में वे प्रमुख बन गए हैं। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों योगदान है, उन्हें रॉयल्स के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी माना जाता है। पांचवी प्लेयर की बात करें जो कि सिमरन हेटमायर है, सिमरन हेटमायर ने भारतीय प्रीमियर लीग यानी IPL राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला, वे एक प्रमुख वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है, उन्होंने अपनी शक्तिशाली बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध है। हेटमायर की बल्लेबाजी में गहराई और शक्ति होती है, उन्हें अपने बड़े शॉट्स के लिए जाना जाता है, वे बल्लेबाजी के माध्यम से टीम को अच्छे स्कोर पर मदद करते हैं, उन्हें राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL में एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। छवीं प्लेयर की बात करें जो कि रोवन पॉवेल है, रोवन पॉवेल ने भारतीय प्रीमियर लीग यानी IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए ये भी खेला है, एक प्रमुख वेस्ट इंडीज क्रिकेटर है, उनकी शक्तिशाली बल्लेबाजी का उल्लेख रहा है। पॉवेल ने बड़े बड़े बल्लेबाज के लिए अपना माना जाता है, उन्होंने अच्छे खासे स्कोर भी खेलते हैं, मैच को कभी टर्न भी कर देते हैं, उन्हें राजस्थान रॉयल्स के एक IPL का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है। आगे बात करते हैं सातवीं प्लेयर जो कि रविंद्र चंद्र अश्विन है। अगर रविंद्र चंद्र अश्विन की बात करें जो कि भारतीय प्रीमियर लीग IPL राजस्थान रॉयल्स के लिए एक युवा क्लब प्लेयर है,
वे एक प्रमुख भारतीय गेंदबाज क्रिकेटर जो अपने बेहतरीन गेंदबाज के लिए प्रसिद्ध है। अश्विन की बल्लेबाजी में उनका योगदान है, उन्हें एक समर्थ ऑलराउंडर के रूप में माना जाता है। उन्होंने स्थान वर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण मैचों में शानदार परफॉर्मेंस भी किया, टीम को अपनी गेंदबाजी अनुभव के साथ समर्थ बनाए रखा। आठवीं प्लेयर की बात करें जो कि आवेश खान है, आवेश खान ने स्थान वर्ष के लिए एक IPL भी खेला। वह एक प्रतिभाशाली भारतीय गेंदबाज और अपनी उम्र के अनुसार अनुभवी भी है। उनके स्थान वर्ष के लिए गेंदबाजी करते हुए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, टीम की मजबूती और समर्थन प्रदान करते। आवेश खान राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL के एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी माने जाते हैं। नौवीं प्लेयर की बात करें जो कि प्रसिद्ध कृष्णा, प्रसिद्ध कृष्णा ने राजस्थान रॉयल्स के लिए एक अच्छा मैच भी यादगार भी खेला। वे एक प्रतिभाशाली भारतीय गेंदबाज, अपनी गेंदबाजी की शक्ति लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने बहुमूल्य योगदान के लिए प्रशंसा प्राप्त, उन्हें राजस्थान रॉयल्स की टीम की हिस्सा भी माने जाते हैं। बात करते हैं दसवीं प्लेयर जो कि ट्रेंट बोल्ट है। ट्रेंट बोल्ट ने राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL में नहीं खेला, उन्हें मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला। बोल्ट एक प्रमुख न्यूजीलैंड गेंदबाज, अपनी उम्र के अनुसार अनुभवी है। उन्होंने अपने गेंदबाजी के कौशल के कई सारे अहम विकेट लिए हैं, टीम को मजबूत बनाने में मदद भी की है। बोल्ट ने को IPL में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में माना जाता है। 11वीं प्लेयर की बात करें जो कि युजवेंद्र चहल है। युजवेंद्र चहल ने IPL में स्थान उसके लिए नहीं खेला, वे पूर्व रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम से खेलते थे, जहाँ पे चहल एक अनुभव भारतीय गेंदबाज है। उनकी गेंदबाजी का जादू दशकों पे खुमार है, उन्होंने अपने कैरियर में कई सारे अद्वितीय प्रदर्शन भी किए, उन्हें टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिए, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 भी देख ली, अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं फाइनली। वैसे तो राजस्थान रॉयल्स की टीम काफ़ी बैलेंस टीम में नज़र आ रही है, तो देखते हैं कि इस बार IPL के खिताब जीतने के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम एक बार फिर से सीजन टाइटल अपने नाम कर पाती है नहीं कर पाती है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।